आज मैंने एग पकोड़ा बनाए हैं जो बहुत ही मजेदार बने हैं। तो चलिए रेसिपी की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू रुसाना किचन। कैसे हैं व्यूअर्स आप? मुझे उम्मीद है आप बिल्कुल ठीक होंगे और खुशी से होंगे। तो जनाब आज मैं बना रही हूँ एग पकौड़ा। तो चलिए रेसिपी की तरफ चलते हैं। आज मैं यूनिक रेसिपी बना रही हूँ जो बहुत ही यूनिक है, पहले किसी ने नहीं बनाई। तो इसके लिए मैंने 3 पाव आलू लिए हैं और ये मैं अदरक लहसुन का पेस्ट, सब्ज़ मिर्चें और ये मैंने दरमियाने साइज़ का छोटा सा प्याज लिया है जो मैंने बारीक बारीक काट लिया है और ये सब्ज़ धनिया है। तो इन चीज़ों को हम ऐड करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टेबल स्पून है और ये प्याज है और ये सब्ज़ मिर्चें, इनको ऐड करती हूँ मैं। और इसमें जो मसाले जाएंगे वो मैं आपको बताती हूँ। ये 1 टीस्पून इसमें पिसा हुआ सूखा धनिया जाएगा और 1 टीस्पून ही इसमें सूर मिर्च का जाएगा और 1/2 टीस्पून इसमें हल्दी जाएगी और 1 टीस्पून इसमें नमक जाएगा और 1/2 टीस्पून इसमें चिली फ्लेक्स जाएगी और 1/2 टीस्पून इसमें गरम मसाला पिसा हुआ जाएगा। तो मसाले हमारे कंप्लीट हो गए और अब हम सारी चीज़ों को मिक्स करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जनाब अब हम ये हमारे आलू में मसाला मिक्स हो चुका है सारा। तो अब हम इसके बनाते हैं पकोड़े। आप देख सकते हैं ऐसे करें, हम ऐसे आलू रखें और साथ हम ये एग रखेंगे। एक एग के हमने 4 पीस किए हैं और ये हम ऐसे इसके ऊपर लगा देंगे और ये हमारे बहुत मज़ेदार एग पकौड़ा तैयार होंगे। ये बिल्कुल यूनिक रेसिपी है। ऐसे ही हम सारे बना लेंगे। ऐसे रखें और ऐसे फिर इसको ऐसे, यानी इसमें हमने पूरा अंडा जो है वो हमने कवर कर लेना है। ऐसे ही हम सारे बना के तो फिर हम फ्राई करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जनाब ये हमारे रेडी हो चुके हैं। तो अब हम ये मैंने एक अंडा लिया है और ये ब्रेड क्रम्स लिए हैं। तो सबसे पहले हम अंडा लगाएंगे और उसके बाद हम ब्रेड क्रम्स लगाएंगे और फिर हम इनको फ्राई करेंगे। ये मैंने घी रखा था तो ये हमारा गर्म हो चुका है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऐसे ही हम फ्राई करेंगे। अच्छे तरीके से हमें लगाना है। अब ये हमारे फ्राई हो चुके हैं और अब हम इनको प्लेट में निकालते हैं। ये देख सकते हैं माशाल्लाह किस कदर अच्छी लुक है इनकी और क्या टेस्ट होगा इनका। देखने में ही माशाल्लाह इतने अच्छे लग रहे हैं। ये देखें और ऐसे ही हम दूसरे बना लेंगे, दूसरा फ्राई कर लेंगे। तो माशाल्लाह हमारे एग पकौड़ा माशाल्लाह रेडी हो चुके हैं। आप देख सकते हैं किस कदर माशाल्लाह अच्छे बने हैं और क्या लुक आई है। आप इनको नगेट्स का नाम भी दे सकते हैं। तो मैं आपको इनको काट के दिखा देती हूँ। माशाल्लाह आप देखें, ये देखें, आप इनको नगेट्स का नाम भी दे सकती हैं। मैंने इनको एग पकौड़ा का नाम दिया है। तो आप केचप के साथ एंजॉय कीजिए और बच्चों को बना के दीजिए, बहुत मज़ेदार होंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।